हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है डोंट डू दीज मिस्टेक्स इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस नेट जेआरएफ एग्जाम, राइट। सो गाइज, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है अब इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी भी गाइड बुक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम जितने भी 7 to 8 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं उनको हम विद इन 10 मिनट्स गो थ्रू करेंगे। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ समझ में आएगा कि जो अपकमिंग नेट एग्ज़ाम है उसमें आप अगर अपेयर होना चाहते हो, आपने अगर फॉर्म फिल किया है, क्रैक करना चाहते हो, सो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, राइट। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको किसी भी गाइड बुक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। गाइड बुक चाहे वो पेपर वन की हो चाहे कॉमर्स की हो, मैं यहाँ पे किसी गाइड बुक को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, क्योंकि गाइड बुक के भरोसे रह के आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। गाइड बुक में आंसर्स आपको इनकरेक्ट मिलेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चंस दो जगह सेम होंगे बट आंसर डिफरेंट होंगे, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। सो इससे बेटर कि आप एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करो, जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उनकी ऑफिशियल आंसर की से आप मैच करो, राइट। गाइड बुक में कंटेंट ठीक है, रिवीजन पर्पज से हम कहेंगे कि थोड़ा सा ठीक लगता है बट डिटेल में नहीं होता है। आपको अगर नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको डिटेल स्टडी करनी होगी, आपको ए टू जेड टॉपिक्स को वन बाय वन करके गो थ्रू करने पड़ेंगे, रिविजन करना पड़ेगा, हाईलाइटेड करना पड़ेगा पॉइंट्स को। गाइड बुक में डिटेल में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये कि आंसर्स आपको इनकरेक्ट मिलेंगे। पेपर वन पेपर टू की कोई भी गाइड बुक हो, 3 to 4 गाइड बुक्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आंसर्स पर रिलाय आप नहीं कर पाओगे, राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज कि जब भी आपके स्टडी आवर्स हो उनको आप यूटिलाइज करना आपको सीखना होगा, कि आपने अगर 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो उन 2 घंटों में सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भाई टॉपिक लेकर बैठे हो, बुक आपके सामने है, सोशल मीडिया की बेल बजी, फेसबुक पे कुछ नोटिफिकेशन या व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी तरफ लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जितनी भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, सबका नोटिफिकेशन टर्न ऑफ होना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप 2 घंटे बैठोगे, 2 घंटे 1 घंटा कितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आप अपने घर का काम करके कंप्लीट करके बैठो, जो भी आपके माइंड में बर्डन क्रिएट करे ना कि भाई 2 घंटे पढ़ाई करके फिर ये काम करना है, पहले वो काम करो फिर बढ़ने बैठो आराम से, ताकि टेंशन ना रहे माइंड में कि भाई ये काम मेरा पेंडिंग है और मुझे जल्दी से करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, गाइड बुक पर रिलाय मत करना। सेकेंड पॉइंट, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको करता है सोशल मीडिया, सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, प्रॉपर आपको यूटिलाइज करना है। देखो पॉइंट टू है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो होता ये है कि हम पढ़ने बैठते हैं ठीक है, और हमारे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, कि जैसे मैं कर रही हूँ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक, बट मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई फेसबुक पे उसने उस ग्रुप में ये पोस्ट किया था, ये पिक्चर शेयर की थी, इंस्टाग्राम पे ये आया था, तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस हमारे माइंड में होती है जो बहुत ही गलत है, वो हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है। सो इस डिस्ट्रैक्शन को आपको खुद को रोकना होगा, आपको खुद को बोलना होगा कि भाई पहले मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं फिर ये चेक करूँ, राइट, करूँगा या करूँगी जैसे भी जो भी हमारा होता है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट हमारा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे, तो आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ही मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन कर पाऊंगी, राइट। क्योंकि ऐसे करोगे प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं बहुत पहले करती थी कि एक सब्जेक्ट में से 2-3 टॉपिक किए, दूसरे सब्जेक्ट में से 2-3 टॉपिक किए, स्विच कर दिया, तो ना पहला टॉपिक कंप्लीट हो पाता है और ना ही दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो पाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहते हैं ना कि जोर पड़ेगा भाई करने में, कि अगर आप एक सब्जेक्ट लेकर बैठोगे पूरा करने में, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट करो, 2 दिन में करो, स्टार्टिंग में स्टडी स्टैमिना बनाने के लिए टारगेट बनाओ कि चलो ठीक है भाई ये सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स और ये मैं 4 to 5 days में अच्छे से कवर करने वाला। नाउ पॉइंट ये है किस तरीके से कवर करोगे। जो भी बुक आपके पास है, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप पूरा मटेरियल अपना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक जगह करोगे। ऐसा मत करना
सब्जेक्ट शुरू कर लिया और फिर देखा कि मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास ये बुक नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर वो मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो सारी चीज़ अपनी पहले कलेक्ट करो, जो भी प्रिंट आउट बुक्स आपके पास हैं, देन फिर आप उनको चैप्टर्स में डिवाइड करो। कि जैसे इकोनॉमिक्स है कि भाई टोटल हार्डली 10-12 टॉपिक्स हैं, तो उनको आप 7-8 चैप्टर्स में डिवाइड करो और मेंशन करो कि भाई आज मुझे ये दो टॉपिक करने हैं, आज मुझे ये दो चैप्टर करने हैं, इस तरीके से। ठीक है, शेड्यूल बनाओ, पूरे सिलेबस का मत बनाओ, कभी भी फुलफिल नहीं होगा। अब जैसे 10 सब्जेक्ट पेपर 2 में है हमारे हैं कॉमर्स में, तो मैं ये सोचने लग जाऊँ कि भाई मेरे को ना 2 महीने में ये 10 सब्जेक्ट पूरे करना है, तो मैंने सिलेबस में लिख दिया 3 दिन टेक्स, 3 दिन स्टैटिस्टिक्स, 3 दिन बैंकिंग, इस तरीके से। बट हम नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट मी, हम नहीं कर पाते। मैं तो पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कभी भी कंप्लीट सिलेबस का शेड्यूल नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा एक शेड्यूल बनाती हूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि भाई मुझे पहले ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है, उसके बाद देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स का क्या सीन है, राइट? तो सिलेबस रूटीन बनाओ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पूरे उसके अकॉर्डिंग मत बनाना कि भाई 20 के 20 सब्जेक्ट और उनका लिख दिया 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरीके से वो नहीं हो पाता, राइट? सो शेड्यूल बनाना थोड़ा सा। सब्जेक्ट अगर आप शुरू करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने पहले प्रिपरेशन की है और आप दोबारा फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक काम करो, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चूज़ करो, सबसे इजी सब्जेक्ट उठाओ जो आपको अच्छा लगता है, जिसको करने में आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको खुद को ये फील होगा कि हाँ चलो ये सब्जेक्ट करता है, तो वो इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी पसंद का सब्जेक्ट आपको उठाना है, राइट? नाउ द पॉइंट इज़ कि आपको स्टडी करनी कैसे। अब सबसे पहले कोई भी आप सब्जेक्ट उठाओगे, इकोनॉमिक्स हमने उठाया, तो सीधा ही सिलेबस देख के पढ़ने मत बैठो, पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो भाई आप देखोगे कि भाई कॉस्ट और रेवेन्यू में से क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पूछता है एग्जामिनर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछता है, या फिर डिमांड से रिलेटेड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, या हम कहें कि भाई जो MR, AR और डिमांड में रिलेशनशिप होता है उनकी इलास्टिसिटी में, उनमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ठीक है, प्राइसिंग, कौन कौन सी प्राइसिंग एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के, या फिर हम कहें कि मैचिंग के आ रहे हैं। तो आपको टॉपिक शुरू करने से पहले, यूनिट शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि वो सारे टॉपिक्स को आपको एक लिस्ट बनानी है। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आपके एग्जाम में जो सिलेबस में मेंशन है पॉइंट्स, उनसे भी उन टॉपिक्स से डिफरेंट भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो मेंशन नहीं होता, राइट? तो आपको ये लिस्ट बनानी है कि भाई हार्डली इकोनॉमिक्स में 15-20 टॉपिक्स की लिस्ट बनेगी, तो आपको 1 by 1 वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट आपने बनाई। थर्ड पॉइंट, आप लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को 1 by 1 करके कवर करोगे अच्छी तरीके से, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर आप थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। गाइड बुक से मत करना, कोई वेबसाइट देखो, बहुत सारे मिल जाएंगी। आंसर्स में किसी में डाउट है कि भाई मुझे आपको लग रहा है कि भाई ए आंसर होना चाहिए, बट वहाँ पे भी मेंशन है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, राइट? सो जितना आप डिस्कस करोगे, जितना आप नॉलेज अपनी शेयर करोगे, उतना आप लोगों का बेनिफिट है, उतने आप लोगों के खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट? सो इस तरीके से आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करना है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम्प्लीट करना है। अब देखो, होता है कि भाई हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सीरीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, तो खुद को थोड़ा सा होता है ना कि भाई लालच दो कि ये दो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक मूवी देखेंगे। ठीक है, इन्जॉय भी ज़रूरी है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पूरा पूरा दिन 365 दिन पढ़ते ही रहता है। मेरे लिए मूवी भी ज़रूरी है और मेरे लिए फैमिली भी ज़रूरी है, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। सो बैलेंस करना है आपको, प्रॉपर आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपको बना के चलना है। 8 hours आप स्टडी को दे रहे हो, 8 hours की आपको स्लीप चाहिए, 8 hours आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, प्लस अपने सोशल मीडिया, अपने जो भी घर के काम है, आपकी जॉब है, तो आप उनमें टाइम स्पेंड करोगे, राइट? सो प्रॉपर बैलेंस बनाना सीखो। ऐसा मत करना कि आज शुरू किया है 15 दिन पढ़ाई नहीं की, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्रैक होता है। अदरवाइज बीच में फ्लो अगर रुक जाता है
एक दिन पढ़ के, दो दिन पढ़ के हफ्ता पढ़ाई नहीं की, वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा. इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. सो गाइज, मेरी मानो, कॉन्टीन्यूटी बनाओ, सबसे ईजी सब्जेक्ट उठाओ, PYP का एनालिसिस करो, यूनिट्स में जो टॉपिक हैं उनकी लिस्ट बनाओ, उनको कवर करो. सो इस तरीके से 20 सब्जेक्ट को, जो हमारे 20 सब्जेक्ट्स हैं, उनको वन बाय वन करके अप्रोच करो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो चैनल पे आप न्यू हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए. बहुत सारी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे. नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी पेपर 2 में एक सब्जेक्ट कि आपको कैसे करना है, उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट? कोई भी डाउट अगर आपको है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें अपने डाउट्स भी बता सकते हो. और बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेरे को थोड़ा ध्यान में आया. देखो, एज अ स्टूडेंट मन में क्या होता है, मैं बताती हूँ रैंडमली. आप पॉइंट अप्लाई करके देखोगे तो आपके मन में भी आएगा, ठीक है? अभी अगर मैं अपनी बात करूँ दिसंबर 2018 की, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे मन में क्या आता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं YouTube चैनल बनाती हूँ, YouTube पे बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मेरा रिविजन हो जाएगा, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? बट हुआ ये कि आपको वीडियो बनाना सीखना, आपको प्रेजेंटेशन बनानी, आपको रिकॉर्ड करना सीखना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, बहुत टाइम वेस्ट होता है. दूसरा ये, फिर ये मन में आता है कि भाई चलो कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखते हैं, उस पर हम यूट्यूब पर वीडियो बना के शेयर करेंगे. सो पॉइंट ये है कि आप पहले ही एग्ज़ाम क्रैक करो, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन इस एग्ज़ाम के ऊपर होना चाहिए. आपको अगर वीडियो बनानी है तो उस टॉपिक की बनाओ जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जो टॉपिक आपका वीक है. फॉर एग्जांपल कि अगर आपका स्टैटिस्टिक्स वीक सब्जेक्ट है, आप उसकी वीडियो बना के अपलोड करना शुरू करो, उसकी उसके कॉन्सेप्ट दूसरे बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ. वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है, जिसको जिसके कॉन्सेप्ट आपको ब्रश अप करने की रिक्वायरमेंट है, तो अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल रखना, एग्ज़ाम पे फोकस करो. डिस्ट्रैक्शन अगर ये चीज़ें करती हैं तो उनको थोड़ा सा साइड में करो, क्योंकि ये 6 महीने और 1 साल की मेहनत डेफिनेटली आपको सक्सेस दिलाएगी. कहते हैं ना कि मंजिल अगर हमें चाहिए तो मंजिल की बजाय फोकस हमारा हमारे रास्ते पे होना चाहिए, राइट? रास्ते पे फोकस रहेगा, कंप्लीट अपनी तरफ से बेस्ट करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज करने का हमारा एक ही फंडा है, वन थिंग एट वन टाइम. जब आप एक कॉन्सेप्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कॉन्सेप्ट कर रहे हो बिजनेस फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो भाई आपका माइंड ना इसी पे होना चाहिए कि भाई कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगाया, विद टैक्स ये, विदाउट टैक्स ये फॉर्मूला है, देन आपको पता होना चाहिए. आपको अगर मान लो कि उसमें आया NP, आपको नहीं पता कि नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहीं की वहीं मार्क करो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. मैं कैसे करती थी, जैसे मैंने मान लो कि फाइनेंस पढ़ना शुरू किया, सो उसमें आया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, लाइक कि आपका करेंसी स्वैप क्या है, आपका हेजिंग फंक्शंस क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं मार्क करती थी और मैं अपने आप से पूछती थी. आप खुद पढ़ाई कर रहे हो तो खुद से क्वेश्चंस करना शुरू करो. अब जैसे कॉल ऑप्शन आया, मैंने डेफिनेशन रीड की, तो मैंने खुद से पूछा कि प्रियंका क्या तुम्हें समझ में आया कि ये डेफिनेशन में बंदा बोलना क्या चाह रहा है, तो खुद से क्वेश्चन पूछो, दोबारा फिर से पढ़ो. नहीं समझ में आया, गूगल की हेल्प लो. नोटिफिकेशन हमेशा अपनी टर्न ऑफ करके रखो, टेक्स्ट मैसेज की भी, अपने सोशल मीडिया और अपनी एप्लीकेशंस की भी. बेनिफिट आप लोगों का ही होगा. तो फोकस करके जब मैंने देखा कि भाई ये कॉल ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन, तो मैंने पूछा क्या मुझे करेंसी स्वैप पता है क्या होता है, क्या मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, क्या मुझे पता है ये क्या होता है, नहीं पता. सो आपके किसी फ्रेंड को आता है, आप उनसे हेल्प लो, उनको बोलो कि भाई ऑडियो से एक्सप्लेन करके समझाओ, तो बेनिफिट आप दोनों का होगा. सो क्वेश्चंस खुद से करना सीखो. अगर आप 1 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो 1 घंटे में पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका पढ़ाई पे होना चाहिए. आपके माइंड में जो ये इधर से उधर वाली चीज़ें पजल घूमती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा. फोकस स्टडी होगी तो आप टॉपिक को समझ पाओगे, तब आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. और जो चीज़ हम अपनी फुल कॉन्सेंट्रेशन से समझते हैं, वो चीज़ हमें एक लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, और जो चीज़ हम रट लेते हैं उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाता है. कुछ चीज़ें रटने वाली भी आएंगी, आपके बैंकिंग में ईयर्स आएंगे, आपके IB में ईयर्स आएंगे, आपके जो नेम्स आते हैं, ऑथर्स नेम,
थियोरी के नेम ये सब आएंगे, वो रटने भी पड़ेंगे, उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा, बट 70% कॉन्टेंट आपका जो है नेट एग्जाम के लिए वो आपका समझने वाला है. सो गाइज मेक श्योर कि टॉपिक को आपको समझ के कंप्लीट करना है, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ज़्यादा लेंदी सेशन नहीं होगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है सबको, ठीक है. सो गाइज कॉमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम पेपर 2 का एक सब्जेक्ट कवर करेंगे जिसमें मैं आपको लिस्ट बना के दूंगी. इन इन टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होता है और भाई इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आएगा. सो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू.